स्वागत है दोस्तों रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा टोटल 3 टॉपिक्स के बारे में। जी हां, तो उनमें से 2 टॉपिक कॉमन है जो कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रेन सर्विस के बारे में ही है, और पहले जो कि अभी आप लोग ऑन स्क्रीन देख सकते हैं जो कि पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल ट्रेन्स, इसके बारे में तो आपको जानने के लिए मिलेगा ही दोस्तों। साथ ही आप लोगों को जो कि है रीडेवलप रेलवे स्टेशन के बारे में भी आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि असम में टोटल 32 रेलवे स्टेशन जो कि है रीडेवलप करने वाला है, यानी अभी जिस स्थिति पर है दोस्तों उससे कई गुना अच्छा यानी कई गुना अपग्रेड करने वाला है स्टेशन को। तो वो कौन से स्टेशन होने वाले हैं और साथ ही कितने कॉस्ट में उसको बनाया जाएगा, जो कि टोटल 32 रेलवे स्टेशन है, तो उन सभी रेलवे स्टेशन को जो कि है कितने कॉस्ट में एक्चुअली बनाया जाएगा, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल ट्रेन्स। जी हाँ, तो कई महीने पहले मैंने एक जो कि है वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने बोला था अबाउट दी सिलचर टू नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन सर्विस के बारे में, और साथ ही अगरतला टू गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन सर्विस के बारे में। तो इन्हीं ट्रेन सर्विस को जो कि है फिर से एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी फिर से कंटिन्यू आप लोग बोल सकते हैं। जी हाँ, तो फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि ट्रेन नंबर है 05638 एंड 05637 बिटवीन सिलचर एंड नाहरलगुन के बीच में चलने वाला जो कि स्पेशल ट्रेन है, और साथ ही 05628 एंड 05627 बिटवीन अगरतला एंड गुवाहाटी के बीच में चलने वाला जो कि स्पेशल ट्रेन है, तो इसको नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं, तो ट्रेन नंबर 05638 जो कि सिलचर टू नाहरलगुन है, तो इसको 4 सितंबर से लेकर 27 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी टोटल 13 ट्रिप्स के लिए। जी हाँ, टोटल 13 ट्रिप्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि सिलचर से सेम इसका डिपार्चर टाइम रहेगा 13:50 यानी 1:50 पे दोपहर को, और नाहरलगुन कब पहुंचेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं 8:40 में इसका अराइवल है। तो ये जो कि ट्रेन सर्विस है तो आप लोग को पता ही है कि ट्राई वीकली बेसिस में चलाता है या जो कि डेली बेसिस में चलाता है, तो आप लोग को जैसे अभी जिस बेसिस में चल रहा है दोस्तों तो उसी बेसिस में चलाया जाएगा। और साथ ही अगरतला टू गुवाहाटी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 05628 अगरतला टू गुवाहाटी हो, या जो कि है 05627 गुवाहाटी टू अगरतला ही हो, तो आप लोग देख सकते हैं अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग सेम है। साथ ही जो कि अदर कॉमर्शियल स्टॉपेजेस, वो चाहे सिलचर जो नाहरलगुन स्पेशली हो या अगरतला टू गुवाहाटी स्पेशली हो, तो जैसे पहले स्टॉपेजेस था अदर स्टॉपेजेस और साथ ही कंपोजिशंस तो सेम है, 21 कोचेज एंड साथ ही 20 कोचेज का जो कि सिलचर जो नाहरलगुन ट्रेन का है, एंड ऑल्सो जो कि सिलचर टू नाहरलगुन ट्रेन है इसका अदर स्टॉपेजेस है बदरपुर जंक्शन, न्यू हरंगजाऊ, माईबांग, डिफू, सरुपथार, फॉरकाटिंग, सिमलुगुड़ी, न्यू सीसी बोरगांव, धेमाजी, गोगामुखैन, हरमोती, एंड साथ ही अगरतला टू गुवाहाटी जो कि ट्रेन सर्विस है, तो इस ट्रेन सर्विस के दौरान जो कि है अदर स्टॉपेजेस इसमें आप लोग देख सकते हैं टेलियामुरा, अम्बासा, न्यू करीमगंज, माईबांग, होजाई एंड सपरमुख जंक्शन। तो ये हो गया पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल ट्रेन, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला अभी। उसके बाद जो कि सेकंड टॉपिक में आते हैं दोस्तों, तो ये भी एक्सटेंशन ऑफ ट्रेन सर्विस के बारे में ही है, बट ये जो कि अनदर ट्रेन सर्विस है बिटवीन न्यू तिनसुकिया एंड धुबरी के बीच में चलने वाला, जो कि ट्राई वीकली बेसिस में दोस्तों चल रहा है अभी फिलहाल, तो इसी ट्रेन सर्विस को जो कि है दोस्तों फिर से नवंबर महीने तक इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ पैसेंजर्स इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज ऑफ 05922 एंड 05921 जो कि न्यू तिनसुकिया टू धुबरी एंड धुबरी टू न्यू तिनसुकिया जो कि ट्राई वीकली स्पेशल ट्रेन है, तो इसको फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है फ्रॉम 28 यानी 20 अगस्त से। जी हाँ, 20 अगस्त से लेके 19 नवंबर तक इसको कंटिन्यू कर दिया गया है, और ट्राई वीकली बेसिस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 05922 न्यू तिनसुकिया टू धुबरी जैसे कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे को न्यू तिनसुकिया से लेकर धुबरी के बीच में चलता है, ये दोपहर 2:30 यानी 14:30 पे इसका डिपार्चर है फ्रॉम न्यू तिनसुकिया। एंड उसके बाद जो कि इसका अदर स्टॉपेजेस है नॉर्थ लखीमपुर, रंगापारा नॉर्थ, रंगिया जंक्शन, नौलबारी, टीहू, पाठशाला, शपथग्राम एंड डेस्टिनेशन स्टॉपेज धुबरी। उसी के बीच में दोस्तों जो कि अदर स्टॉपेजेस यानी कमर्शियल स्टॉपेजेस है तो डिब्रूगढ़, धेमाजी, हरमोती, विश्वनाथ चारियाली, न्यू मिसामारी, उदालगुरी, टोंगला, बोरपेता रोड, न्यू बोंगाईगांव, कोकराजार, फकीरागराम जंक्शन, गोलकगंज जंक्शन एंड ऑल्सो गोरीपुर। तो इन्हीं जो कि अदर कॉमर्शियल स्टॉपेजेस भी इस ट्रेन को रुकाया जाएगा, और साथ ही टोटल 15 कोचेस का ये ट्रेन है। इसी के साथ साथ एसी 3 टायर का एक कोच है, उसी के साथ साथ दोस्तों स्लीपर क्लास भी 10 लगाया गया है, और साथ ही जनरल 2 क्लास है दोस्तों इस ट्रेन में। तो जो कि अदर अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग रिलेटेड है, या चाहे वो न्यू तिनसुकिया टू धुबरी हो या धुबरी से लेके जो कि न्यू तिनसुकिया जिसका ट्रेन नंबर है 05921,
तो धुबरी से लेकर न्यू तिनसुकिया के बीच में वेडनेसडे फ्राइडे एंड मंडे को चलता है दोस्तों। तो ये भाया नॉर्थ बैंक होकर चलने वाला ट्रेन सर्विस है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए या आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो यही है जो कि एक्सटेंशन या कंटिन्यू ऑफ ट्रेन सर्विस जो कि धुबरी एंड न्यू तिनसुकिया के बीच में चल रहा है दोस्तों अभी फिलहाल। और उसके बाद आते हैं दोस्तों जो कि लास्ट एंड लेटेस्ट टॉपिक इस वीडियो का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था 32 रेलवे स्टेशंस जो कि है रीडेवलप्ड होने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका कॉस्ट है अराउंड 990.2 करोड़ का जो कि है इसको लगाया गया है इन 32 स्टेशंस को। जी हाँ, इन्हीं 32 जो कि रेलवे स्टेशन है, तो रीडेवलपिंग वर्क में टोटल 990.2 करोड़ का लागत होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। तो अभी जानते हैं कौन से स्टेशंस इस प्रोजेक्ट में हैं दोस्तों, इस जो कि रीडेवलपिंग लिस्ट में कौन से स्टेशंस हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले धुबरी स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा, उसके साथ साथ फकीराग्राम जंक्शन, कोकराजार, गोसाईगांव हाट, गौरीपुर, लमदिंग जंक्शन, न्यू हाफलोंग, दीफू, सापरमुख जंक्शन, जागी रोड, सरुपथार, नारंगी, होजाई, लंका, न्यू करीमगंज जंक्शन, अरुणाचल जंक्शन, रंगापारा नॉर्थ जंक्शन, न्यू बंगाईगांव जंक्शन, रंगिया जंक्शन, मोरियोनी, डिब्रूगढ़, जोरहाट टाउन, माकुम जंक्शन, मार्घेरिटा, आमगुरी, नाहरकटिया, तिनसुकिया, दुलियाजान, सिमलुगुड़ी, न्यू तिनसुकिया, नामरूप एंड शिवसागर टाउन रेलवे स्टेशन को जो कि है रीडेवलप किया जाएगा, जिसका लागत होने वाला है टोटल इन 32 रेलवे स्टेशन में 990.2 करोड़ का लागत होने वाला है, यानी खर्चा करने वाला है रीडेवलपिंग वर्क में। तो कई गुना जो कि है अच्छा होने वाला है, जो कि लिफ्ट वगैरह या एस्केलेटर वगैरह का सिस्टम भी इन स्टेशंस पर होगा दोस्तों। तो बहुत जल्द आपको जो कि है रीडेवलपिंग का काम आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इन स्टेशंस पे। तो यही है एक डिटेल्ड अपडेट अबाउट दी सेवरल टॉपिक्स। तो आज के इस वीडियो पर आप लोग को कैसा लगा? जी हाँ दोस्तों, तो बहुत दिनों के बाद मैंने जैसे कि वीडियो लाया आप लोगों के बीच में, तो आप लोग को ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। और साथ ही नई नई वीडियोस दोस्तों मैं लाता रहूँगा, वो जो कि है थोड़ा बहुत मेरा अभी एक जॉब कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा जो कि है टाइम मैनेजमेंट बहुत कम हो पा रहा है, इसीलिए वीडियो भी लेट से आ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर।